बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रैकेट 25x³y5 डिवाइडेड बाय 5xy³। देखें डिवाइड ही साइन है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड होंगी। डिवाइड के बाद की जो वैल्यू होती है वो हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 25x³y4 डिवाइडेड बाय 5xy³। क्या किया हमने, सबसे पहले से नॉमिनेटर में लिखा, डिवाइड की बाद की वैल्यूज़ को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। नाउ 25 और 5 क्या दोनों एक टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं? यस, 5 × 5 = 25। एक्स क्यूब है, ये प्लस 1 है, प्लस 1 इनविजिबल होता है। जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमेशा क्या होता है, साइन अपोजिट हो जाती है। ये प्लस 1 है जो कि इनविजिबल है, ये प्लस 1 है जो कि इनविजिबल है। डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। हमने लिखा 5x³ - 1, y4 लिखा प्लस 3 था, डायरेक्शन चेंज की तो क्या हुआ, -3। 5x³ - 1 = 2, y4 - 3 = 1। आप चाहें तो 5x²y लिखें, आप चाहें तो 5x²y1 लिखें, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, -121a6b3 डिवाइडेड बाय -11a³b², ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे। नाउ अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास -121a6b³ डिवाइडेड बाई -11a³b³। माइनस से माइनस की साइन कैंसिल आउट हो गई, जब माइनस से माइनस की साइन कैंसिल आउट हो गई, 11 × 1 = 11 को 121 से डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा। a6 a3, 6 प्लस 3 था, डायरेक्शन चेंज हो गई, -3 हो गया। b में हमारे पास 3 था b³, यहाँ पे भी प्लस 3 है, डायरेक्शन चेंज हुई, -3 आया। प्लस 3 था, डायरेक्शन चेंज हुई, -3। नाउ 11a³, बी में लिखा हुआ है 3 - 3, तो 3 - 3 का मतलब क्या होता है, 0, बी के ऊपर 0। और हम ये बात जानते हैं, जब 0 होती है वो वैल्यू, तो वो इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होती है, लिहाजा ये कंप्लीट वेरिएबल जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टडी कर चुके थे, 2 को स्टडी कर चुके थे। बेटा 3 में यही करना है कि आपको तमाम वैल्यूज़ को इनफरादी तौर पर सॉल्व करना है। ये 141 लिखा हुआ है बेटा, आप इसको 144 कर दीजिएगा, 144 कर दीजिएगा। y²z4 को हम इन तमाम वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कर चुके हैं, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नौ क्वेश्चन नंबर 3 को हम तमाम वैल्यूज़ को इनफरादी तौर पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x²-5x+6 / x - 2। डिवाइजर है, हम यहाँ पर x - 2 आउटसाइड पे लिखेंगे, x²-5x+6। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को कैंसिल करना है या ख़त्म करना है या रिमूव करना है या फिनिश करना है, आप जो भी बात समझ लीजिए। नाउ इस x² को यहाँ की फर्स्ट वैल्यू के साथ हमें हमेशा सॉल्व करेंगे। तो बेटा आप एक पेज पर एक सवाल करेंगे, रफ वर्क के लिए एक अलहदा चीज़ बनाएंगे। नंबर 1 है आपके पास x² और इसको फर्स्ट वैल्यू के साथ ही सॉल्व करेंगे। नाउ x² डिवाइडेड बाय x, ठीक है। x² कहाँ से आया, ये x² था, ये x है, ठीक है। दोनों x हैं, वंस टाइम x लिखा, 2 प्लस 1 था, डायरेक्शन चेंज हुई, -1 आ गया। तो x² - 1 = 1, याद रखिएगा बेटा। उमूमन जो हमारे पास है ना डिवाइड के सवालात होते हैं ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो यहाँ देखिए, x²² x⁻¹, ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा होगा। और यही वजह होगी कि जब आपके पास जो आंसर कोटेंट भी आएगा ना, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, x² है तो इसके बाद ये कॉन्स्टेंट आया है, यानी 1 से कम वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं आया। आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एनीवे, अब इस x को हम डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ
अब इस एक्स को हम इस डिवाइजर इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ हमने क्या लिखा यहाँ पे, एक्स आउटसाइड पे वैल्यू क्या लिखी, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू लिख दिया। नाउ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, वन पावर है, वन पावर है, वन और वन, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर क्या हुई, प्लस हुई, प्लस माइनस माइनस टू एक्स। ठीक है, नाउ बेटा ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और ये एक्स की पावर वन वाली वैल्यू, तो हम उन वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होती है उस पावर के नीचे ही उन वैल्यूज़ को लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझाती हूँ, टू एक्स। ठीक है, नाउ बेटा ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और ये एक्स की पावर वन वाली वैल्यू, तो हम उन वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होती है उस पावर के नीचे ही उन वैल्यूज़ को लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझाती हूँ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ के साथ ही हम इसे लिखेंगे। ये माइनस टू एक्स है तो माइनस टू एक्स एक्स की पावर वन के साथ ही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्लियर है, एक्स की पावर वन, एक लाइन का गेप देंगे। ये यहाँ पे प्लस की साइन है जो कि इनविजिबल है। अब डिवाइड में हमेशा अपोजिट साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस है हम इसकी साइन को चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। नाउ इस साइन को हम कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस फाइव में से टू माइनस थ्री एस, माइनस प्लस माइनस एक्स की पावर वन। बड़े नंबर के साथ क्या साइन है, माइनस की साइन है, और अलजबरा का रूल है कि जब भी हमारे पास जो भी बड़े नंबर की साइन होती है उस साइन को हम लिखते हैं। एक्स के ज़रिए ये आंसर आया है, ये सॉल्व हुआ है, लिहाजा हमने एक्स लिख दिया। दोबारा समझा देती हूँ, एक्स स्क्वायर को एक्स से कैंसिल आउट किया तो एक्स आया हमारे पास, इस एक्स को कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आंसर आया। नाउ रिवर्स साइन कर दी तो हमारे पास आंसर आया 3x प्लस 6। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। नाउ मैं अगेन इसको रिपीट कर देती हूँ, बेटा एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना था, रिमूव करना था, ज़्यादा इस एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, पावर्स माइनस हुई, एक्स आया। नाउ इस एक्स को डिवाइजर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। याद रखिएगा सेम पावर वाली जो वैल्यूज़ होती है उसके डाउन में ही सेम पावर वाली वैल्यूज़ को लिखा जाता है। ठीक है, नाउ हमारे पास बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन थी, आप पेंसिल से कैंसिल आउट करेंगे, माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, एक्स के साथ सॉल्व हो। अब हम माइनस थ्री एक्स को अगेन सेकेंड वैल्यू के साथ नहीं करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के साथ ही करेंगे। चाहे आपके पास जितने भी स्टेप्स हों, आपको हर वैल्यू को डिवाइड करना है फर्स्ट वैल्यू के साथ, ये बात याद रखिएगा बेटा। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, डिवाइड के जब भी सवालात होते हैं ना, वो सवालात में हमें हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ये टू है, ये पावर वन है, सही। आप देखें टू के बाद टू से कम क्या पावर होगी, वन, वन से कम क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आई। यहाँ पे देखें हाईएस्ट पावर क्या है, वन है एक्स की, तो इस एक्स वन पावर से कम क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई। आंसर कुटेंट में भी यही आएगा, तो डिवाइड में हमेशा याद रखिएगा डिवाइड डिसेंडिंग ऑर्डर से चलता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अपने पास। अगर हमारे पास सीक्वेंस अरेंज भी नहीं होती है तो हम उस सीक्वेंस को भी अरेंज करते हैं। और यहाँ पे आया माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स। इस माइनस थ्री एक्स को नाउ अब हम डिवाइड करेंगे, माइनस थ्री एक्स फर्स्ट वैल्यू के साथ ही डिवाइड होगा जिसकी पावर वन थी, सही है। यहाँ पे वन है और वन और थ्री कैंसिल आउट नहीं हो सकते, आंसर क्या आया माइनस थ्री। नाउ एक्स की पावर यहाँ वन है, यहाँ पे भी वन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन माइनस वन। अब आगे करते हैं, माइनस थ्री एक्स की पावर क्या है, ज़ीरो, एंड ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ख़त्म हो चुका हमारे पास। अब माइनस थ्री आया, नाउ इस माइनस थ्री को हम डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस थ्री को एक्स के साथ, माइनस थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स को हम सेम पावर वाली वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे, माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, एक लाइन का गेप देंगे, प्लस साइन अपोजिट हो जाएगी, माइनस की साइन भी अपोजिट हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस पेंसिल से कैंसिल आउट करेंगे, प्लस माइनस माइनस, जिससे सॉल्व हुआ है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। दोबारा से एक रिव्यू दे देती हूँ, हमारे पास सवाल था x माइनस टू डिवाइड के बाद जो वैल्यू होती है उसको आउटसाइड लिखा जाता है, डिवाइजर डिविडेंड कुटेंड रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहा, जी क्रॉस। ठीक है, x माइनस थ्री हमारे पास आंसर है। नाउ
इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करें ना, आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो नाउ अब हमने एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना था, तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट वैल्यू के साथ सॉल्व किया। देन हम अगले पेज पे एक रफ वर्क के लिए बनाते हैं और यहाँ पे रफ वर्क लिखते हैं। देन हमने यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको आउटसाइड के डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया सेम पावर वाली वैल्यूज़ के नीचे सेम पावर वाली वैल्यूज़ को लिखा। लिखने के बाद सेकेंड वैल्यू को भी हम फर्स्ट से ही, चाहे फोर स्टेप्स हो, थ्री हो, टू हो, वन हो, फर्स्ट वैल्यू के साथ ही डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड का आंसर आता है डिवाइड होने के बाद, उसी से कंप्लीट डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। नाउ अब हमने अपोजिट साइन के साथ किया, ये कैंसल आउट हुआ, ये पुटेंट का आंसर आया एक्स माइनस थ्री, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।